माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 8th ऑफ जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 20th अफ्रीका यूनियन एनिवर्सरी। अफ्रीकी संघ अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1963 में की गई थी। ये अफ्रीका कंट्री का संघ है और इसीलिए ये अपनी 20th एनिवर्सरी मना रहा है। और इस संगठन का हेडक्वार्टर है इन इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो कुछ इस तरह है ये कॉन्टिनेंट। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यहां पर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, और यहां पर पड़ती है रेड सी, लाल सागर। और रेड सागर और मेडिटेरियन सी को कौन अलग करता है तो वे करती है स्वेज किनार। स्वेज किनार कब ओपन हुई थी? 1869 को ओपन हुई थी। अगर मैं बात करूं यहां पर पड़ता है सहारा डेजर्ट और यहां पर पड़ते हैं एटलस माउंटेन। यहाँ आदन की गल्फ ऑफ आदन पड़ता है, आदन की खाड़ी पड़ती है और रेड सी और गल्फ ऑफ आदन को अलग करता है बाब उल मन ट्रीटी। अगर मैं बात करूं इस पार्क की तो ये कहलाता है हॉर्न कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी हॉर्न जैसी है। और कितनी कंट्रीज हॉर्न कंट्रीज कहलवाती हैं? तो 4 कंट्रीज हॉर्न कंट्रीज कहलवाती हैं, क्योंकि इसके कुछ इस तरह ये कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज हैं सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया एंड इरिटेरिया। अगर मैं बात करूं किस कॉन्टिनेंट से तीनों लाइनें पास आउट करती है तो वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ, कौन से कॉन्टिनेंट से तीनों लाइनें पास करती हैं, यानी इक्वेटर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास आउट करती है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास आउट करती है। अगर मैं बात करूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली कौन सी रिवर है तो वो है रिवर जिम्बाब्वे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली माही रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ये समिट हो रहा है। और कौन कंट्री इसको होस्ट कर रही है, कौन इसकी अध्यक्षता कर रही है? तो केन्या और पुर्तगाल कंट्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कितनी कंट्रीज ने इस पर चर्चा की है तो 198 कंट्रीज ने इस पर चर्चा की है। और इसी कॉन्फ्रेंस में एक डिक्लेरेशन हुई है जिसको कहा गया है लिस्बन डिक्लेरेशन। लिस्बन डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि ओशियन, हमने अपने ओशियंस को बचाना है और ओशियंस की को खराब नहीं होने देना इस डिक्लेरेशन में
बात की है और कितनी कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए हैं, 198 कंट्रीज ने। अगर मैं ओशियंस की बात करूं तो कितने ओशियंस हैं, तो 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक, ए फॉर एटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर सदर्न एंड ए फॉर एरेक्टिक। अगर मैं बात करूं केन्या की राजधानी नैरोबी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्टॉकहोम समिट कब हुआ था, पहला समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये हुआ था 1972 में और ये समिट अपना 50 वर्षगांठ मना रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग 2022 NFSA, इसका एक्ट आया था 2013 में और इस एक्ट के अधीन 5 किलो का राशन मुफ्त प्रोवाइड करना इस एक्ट के राही ये उद्देश्य निकला था और इसके रैंकिंग के आधार पर पहला राज्य जो इस पर वर्कआउट कर रहा है वो बना है ओडिशा और सेकंड बना है उत्तर प्रदेश और थर्ड बना है आंध्र प्रदेश और सबसे बॉटम पर कौन है, गोवा एंड 19 पर 36 गर्ल बॉटम पूछेगा तो गोवा। अगर मैं फूड सिक्योरिटी की बात करूँ तो कब हम मनाते हैं फूड सिक्योरिटी डे, तो ये मनाते हैं ऑन 7 जून और कौन मनाता है, फसाई मनाता है, यानी फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया और इसका अधिनियम कब आया था, 2006 में इसका अधिनियम आया था और अभी अभी इसने कौन सा प्रोग्राम चलाया था, ईट चैलेंज प्रोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्रा गूथ न्यूज़पेपर, अग्रा गूथ न्यूज़पेपर अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है और इसकी कॉन्ग्रेचुलेशन किया है माननीय नरेंद्र मोदी, इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि अग्रा गूथ न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में आता है, तो ये आता है असमिया लैंग्वेज में और इस न्यूज़पेपर की शुरुआत 1995 में की गई। अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स की न्यूज़पेपर्स की बात करूं तो मराठा और केसरी, इसके न्यूज़पेपर्स हैं बाल गंगाधर तिलक के। अगर मैं बात करूं सोम प्रकाश, तो ये किसके न्यूज़पेपर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर मैं बात करूं सत्य प्रकाश, तो ये किसका न्यूज़पेपर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू आर्मी कमांडर ऑफ यून मिशन, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, हमारे नए कमांडर, आर्मी के कमांडर जो यूनाइटेड मिशन में नए कमांडर होंगे आर्मी के और कहां पर होंगे इन साउथ सूडान, कौन बने हैं, मोहन सुब्रमण्यम। साउथ सूडान की बात करूं तो न्यूएस्ट मेंबर है ये किसका, यूनाइटेड नेशन का और राजधानी क्या है, खार्तूम और एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर मैं बात करूं आर्मी डे तो कब मनाते हैं, आर्मी डे ऑन 15 जनवरी, एयरफोर्स डे तो ये कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर, नेवी डे ये कब मनाते हैं, 4 दिसंबर। इस समय आर्मी के चीफ कौन है, मनोज पांडे, एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी, नेवी के तो ये हैं हरि कुमार।
स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव बाय गूगल। गूगल ने एक नया इनिशिएटिव चलाया है जिसका नाम है स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। यानी जो भी इंडिया के स्कूल्स हैं उनमें स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी यानी स्टार्टअप के बारे में प्रमोट करना, बच्चों के मन में स्टार्टअप को लेकर यानी बिजनेस को लेकर रुचाएं पैदा करनी इस इनिशिएटिव का मेन मोटिव होगा। और गूगल के द्वारा, गूगल की बात करूं तो 1998 में शुरुआत हुई थी और इस समय सुंदर पिचाई इसके कौन है, सीईओ सत्या नडेला। कौन है सत्या नडेला? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगर मैं बात करूं फेसबुक के, तो फेसबुक के कौन है, मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का नया नाम मेटा। और ट्विटर के कौन है सीईओ, पराग अग्रवाल। और सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को अभी कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण 2022 का। एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 इन कजाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कजाकिस्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप हुआ है और इसमें एलिफिया एंड गीतिका ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन दोनों ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में ये हुआ है। और हमारे इंडिया की कौन बॉक्सर रही हैं फेमस, तो उनका नाम है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम की फेमस बुक अनब्रेकेबल। और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ये कौन सी है, कजाकिस्तान। तरुण मजूमदार पास्ट अवे, तरुण मजूमदार का अभी निधन हो गया, तो ये कौन रहे हैं, तो ये हैं बंगाली भाषा के, बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर रहे हैं। कुछ नई नई अगर जिनका निधन हुआ है तो लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया, शेन वॉन जो क्रिकेटर रहे हैं, ये सिंगर रही हैं और क्रिकेटर रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड्रयूज ये भी क्रिकेटर रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो इनका भी निधन हो गया। के कृष्णमूर्ति जो सिंगर रहे हैं इनका भी निधन हो गया। तो आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।